सास ने चिल्लाते हुए बहू से कहा, रोज रोज के ताने और ड्रामे से बहू और इकलौते बेटे की गई जान। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कमला ने आवाज लगाई। वो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर दो मिनट में ऐसी आवाज़ सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नज़रों के सामने से हटते ही सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ थी, कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर दो मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ती हुई सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, कमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है, दिखता नहीं कमबख्त? ये कमरे में पानी पड़ा है, आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती, कमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। ना जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी, सास की चिल्लाहट कब कौन सी काम के लिए बुलाने वाली है। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना अगर नहीं मिलता था तो बहाना बनाने की कला में वो माहिर थी। इस रोज़ रोज की किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार और कुछ सास के उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के बावजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसने अपने घर में अपने माँ या पापा से कभी उससे ऐसी सुर्खी बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय में वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वह लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी, पर आज अपने ही खिलाफ हो रही अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी कि क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा दिया जाता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था, एक दो बार कही भी थी, पर एक तो थके होने से वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर फिर अपनी माँ के खिलाफ भी वो एक शब्द नहीं सुनते। उसकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था उनके तेवर बदल जाते, जो उसे समझ में आता ही नहीं था कि एक इंसान पल भर में दो तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। कमला देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्च किया, लेकिन दहेज में या दूसरों से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कम लगती है और उनके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की महारानी की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छोड़ने से पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए और कमला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा।
कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज कोई नया बखेड़ा होता था, वह रोज शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर बस रोज ही ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी, जब कमला देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठे स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही वह झाड़ू लगाते लगाते उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अकल भी है या घास चने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सोचता है। अरे अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे, क्या तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है? ये आज का नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि फिर भी वो अपने सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। वो उसके द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकती, ना जाने किस चौंझोंक में कमला देवी ने जोर से पैर चलाया और बहू के कंधे पर जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती उसका सिर दीवार से टकराया और गिर पड़ी। कमला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुई, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा, चल उठ। वो उसकी कुछ बातें सुन तो रही थी पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वह उठने की कोशिश कर रही थी कि कमला देवी ने फिर ठोकर मार दी और उसका सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई थी, सास बड़बड़ाती हुई उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो कमला देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फ़ोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ गई और एडमिट कराने के समय भी बड़बड़ाए जा रही थी। सब पता है इसके त्रिया चरित्र का, मुझे तंग करने के नाटक हैं। इसके जैसे घर में कोई काम ना करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूं तो उसका बेटा काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले वो तो कुछ दिन कोमा में रही। अगले ही हफ्ते में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छिपती हैं। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति कमला देवी की बुरी बर्ताव की बातें सामने आने लगीं, जिसमें कमला देवी के बेटे का नाम भी आ ही रहा था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उससे तंग आकर एक दिन कमला देवी के एक लौते बेटे ने पंखे से लटककर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। कमला देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, अरे कलमुई कहाँ मर गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई, चल जल्दी आ जा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी लय में रोती रोती उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बहू बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने। अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, मेरी वजह से उसका सर फट गया था ना, मेरा बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए, अब की उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को औना पौना दाम में किसी और को बेच दिया था, क्योंकि कमला देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा था।
आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।